का सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर बाघ में था तो आया था उत्तर ए, अब माइनस में तो आएगा उत्तर जीरो। योग कितना होना चाहिए? निपर। देखो 25 और 65, 34 और 56, यहाँ भी निपर और यहाँ भी निपर। तो देखो वही काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। वहाँ भी ऐसा ही किया था, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। या तो करो कोसे को चेंज, या करो से। हम चेंज कर देते हैं कोसे को। देखो कोसे थीटा का मतलब क्या होता है? सेक नब्बर माइनस थीटा। यहाँ लिखेंगे सेक नब्बर माइनस थीटा। अब देखो चेंज करेंगे हम किसको? कोसे को। कोसे की जगह क्या लिखेंगे? सेक नब्बर माइनस कितना? 25। अगर इसके पीछे थीटा तो इसके पीछे क्या आएगा? 25। माइनस इसको ऐसा कैसे रहने दोगे? सेक 25 सेक 65 सेक 65। अब देखो सेक का तो सेक, 90 में से 25 गए तो 65, और माइनस का सेक 65। सेक 65 में से सेक 65 जाएगा तो जीरो। ठीक है। अब ये वाला देखो, दूसरा भी सेम ऐसा ही है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। उत्तर क्या आएगा? जीरो। माइनस में आया तो उत्तर आएगा जीरो, अगर बाग में आया तो उत्तर आएगा ए। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कोट को करो या टेन को करो। कोट का मतलब क्या होता है? टेन नब्बर माइनस, कोट का मतलब होता है टेन नब्बर माइनस थीटा। हम कोट को करेंगे चेंज। अब देखो कोट की जगह क्या लिखेंगे? टेन। अब देखो निब्बा का तो माइनस कितना? 34। और बटे में क्या आएगा? सॉरी माइनस माइनस में क्या आएगा? 10 56। अब देखो 10 का तो 10, नब्बा में 34 गया तो 56 माइनस 10 56। 10 56 में 10 56 गया तो जीरो आ गया। अब देखो ये वाला, यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। देखो 36 और 54 निब्बा होते हैं, यहाँ भी 54 और 36 कितने होते हैं? निब्बा। हमें दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको करो या इसको करो। यहाँ भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम। बताओ साइन को कर लेते हैं हम चेंज। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है कोस निब्बा माइनस थीटा। देख लिया उधर? देखो साइन का मतलब होता है कोस निब्बा माइनस। बताओ यहाँ साइन को चेंज करो, क्या लिखेंगे? साइन की जगह क्या लिखेंगे? कोस निब्बा का तो माइनस 36 बट्टा कितना? कोस 54 माइनस। यहाँ भी आप चेंज किसको? साइन को कर दो। यहाँ भी चाहो तो कोस को भी कर सकते हो। साइन को चेंज करे क्या लिखेंगे? कोस निब्बा माइनस 54 बटे क्या आएगा? कोस कितना? 36। अब देखो कोस का तो कोस, निब्बा में से 36 गया तो कितना बचेगा? अगर मान लो किसी को घटाना नहीं आता है, जो नीचे का नंबर कितना आता है? 54 बटा कोस 54 माइनस कोस का तो कोस कितना आएगा? 36। नीचे वाले लिखो, ये नब्बे में 54 गए तो 36 बटा क्या आएगा? कोस 36। कोस 54 का भाग कोस 54 में एक भाग, कोस 36 का भाग कोस 36 में एक में से एक गया तो हर कंडीशन में उत्तर आएगा आपके जीरो, अगर माइनस में आया तो। अब देखो यहाँ किसमें? प्लस में। अब ध्यान दो, देखो यहाँ तो आपको मान नहीं दे रखा है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो साइन का तो कोस नब्बे माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? और यहाँ देखो साइन नब्बे माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे? साइन थीटा का मतलब होता है कोस नब्बे माइनस थीटा। ये सूत्र तो आएगा ये काम। और कोस थीटा का मतलब क्या होता है? साइन नब्बे माइनस एक सूत्र आएगा ये काम। अब देखो साइन का तो साइन, कोस नब्बे माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? इनटू यहाँ भी क्या जाएगा?
प्लस का प्लस, कोस का तो कोस, यहाँ साइन 90 का मतलब क्या होता है, यहाँ भी क्या जाएगा, साइन को साइन से गुणा करो साइन स्क्वायर, कोस को कोस से गुणा करो, आया कुछ याद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का थीटा का मान उत्तर कितना आ जाएगा, अगली बात सुन में, क्योंकि पहले सर्वसम्मिका से इसका मान होता है आपके एक।